बिहार में महागठबंधन 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। एनडीए 400 नहीं बल्कि 40 सीट पार नहीं होगा। एनडीए की ओर से वर्तमान सरकार में जंगल राज चल रहा है, मंगल राज लाए। ये बातें वैशाली लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन के राजद प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने राजद कार्यालय मुजफ्फरपुर में आयोजित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही है। वैशाली में हम लोग उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। नॉर्थ बिहार में और पूरे बिहार में जो 400 सीट है, महागठबंधन अबरी बार हमारी पार्टी नया कम्बिनेशन में 400 सीट पर निकालने का काम करेगा। मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार होगा, वैशाली 200 दो बार से सांसद रहे हैं, उनको कैसे आप सीटिंग सांसद आपके सामने है, कितना चुनौती रहेगा? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। और 400 और 40 का पार नहीं होगा। हम ही लोग जो थे उनके वोटर, फाइटर वोटर, कोर वोटर, जो हम लोग उनको 40 पार लगाते थे, अब वो सब 40 वहाँ गठबंधन का पार लगेगा। आप लोग आश्वस्त रहिए, 4 तारीख को देखिएगा अनइमेजिंग रिजल्ट आप लोग। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने चुनाव प्रचार में जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश के दौरे पर बयान देते हुए कहा कि हमारे लिए बहुत दुखद है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं और बीजेपी नहीं चाह रही है कि वो कहीं प्रचार में जाए, ताकि वो कहीं उल्टा सीधा बयान ना दे जिससे भाजपा और एनडीए को नुकसान ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री से रोड शो कराया जा रहा है। भाजपा के द्वारा हमारे लिए बहुत दुखद है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको भाजपा के द्वारा मना कर दिया गया कि आप रैली में मत आइए, रैली में भाषण मत कीजिए, आप डायरेक्ट रोड शो हाथ हिला दीजिए। ये लगता है कि सही नहीं है। और अभी क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जाते हैं तो 400 नहीं 4000 सीट जितवाते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा नहीं चाह रहे कि वो कहीं प्रचार में जाए, भाषण दे, कहीं उल्टा सुल्टा बयान दे दे, जैसे विधानसभा में विधान परिषद में बयान दे दिए, तो वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसा बयान दे जो भाजपा को एनडीए को नुकसान हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी से रोड शो करा रहे हैं। बताइए, इतना गर्मी का समय है, इतना धूप का समय है, जनता को भी रोड पर उतारेंगे, खुद भी रोड पर उतरेंगे, और इतना उम्र हो चुका है, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप रोड पर ना उतरे, मंच मिले तो वहाँ भाषण कीजिए, अन्यथा आप घर पे रहिए, आराम कीजिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।